हेलो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मिशन हाई रसिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन टीचर, आपका यूट्यूब टीचर एमएल सैनी नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स, जैसे जिपमर हुआ, पीजीआई हुआ, क्रेकल का, जिपमर का जो कैंपस उसका एग्जाम आने वाला है, या फिर नवोदय विद्यालय समिति का वैकेंसी आने वाली है तो उसका भी एग्जाम होने वाला है, पटना एम्स हुआ या नागपुर एम्स का जो आपका कल है, जो पटना एम्स का एग्जाम होने वाला है या फिर नागपुर एम्स के बारे में। साथ ही इस वीडियो में अपन उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कंबाइंड एम्स के रिजल्ट से काफी डिप्रेस्ड हो चुके हैं, काफी डीमोटिवेट हो चुके हैं, जो अपने आप को संभाल तक नहीं पा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर कि मेरे को इस रिजल्ट से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा, कट ऑफ भी कम गई लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप अपन इस वीडियो में अगर कोई अभी भी डीमोटिवेट है या डिप्रेस्ड है तो प्लीज ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, हो सकता है आपको मेरे से प्रेरणा मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए। देखिए, मोटिवेशन कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, एजुकेशन कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, चाहे वो आपके छोटे से मिले, छोटे इंसान से मिले, बड़े इंसान से मिले, कहीं से भी मिले। एजुकेशन, मोटिवेशन एक कई चीजें हैं जो उनको एनर्जी देती है, पॉजिटिविटी देती है। आज मैं वही चीज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। अपन बात करते हैं पहले कंबाइंड एम्स के रिजल्ट की। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कट ऑफ कम होने के बावजूद भी वो अपने आप को समझने की मैं कैसे रह गया, एक दो नंबर से रह गया, सर मेरे पॉइंटों में कम पड़ गए, मेरे दो नंबर से कम रह गया, एक नंबर से रह गया मेरा। खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को ये मैसेज देखिए। एक अभी इसी वैकेंसी का एग्जाम्पल देता हूँ, 2000 पोस्टों की वैकेंसी है, फॉर्म भरे गए, इसमें मान लीजिए एवरेज 50,000 फॉर्म भरे गए हैं, 50,000 स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने से रही। अब आपको यह तय करना है कि 2000 पोस्टों में से मेरी रैंक 2000 पोस्ट में तो नहीं आई, 2000 में मेरिट में तो नहीं आया, बट मेरी रैंक 2100, 2150, 200, 2200, 2500, 3000, 4000, यहां तक अगर आपकी रैंक है तो आपको डीमोटिवेट या डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। आप कंपटीशन के अंदर हो, कंपटीशन से बाहर नहीं हो। तुम कंपटीशन से बाहर वो लोग है जो 2000 पोस्ट होते हुए 50,000 फॉर्म भरे गए हैं और उनकी रैंक आ रही है 40,000 भी रैंक, 30,000 भी रैंक, 35,000 भी रैंक, 25,000 भी रैंक। उनको थोड़ी नहीं, उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जिनको ऐसी रैंक आ रही है। बाकी आप जो एवरेज आकर बॉर्डर पर आकर रख दे जाते हो हर बार एक नंबर से दो नंबर को, आपको अपने आप को माइंड को सेटल करना है, कंसंट्रेट करना है। जो बीत गया, जो रिजल्ट आया था, कल जो रिजल्ट आया था वो आपके फेवर में नहीं था, मैं मानता हूं और ये सत्य है, मानना पड़ेगा, लेकिन आने वाला कल आपके फेवर में हो सकता है। कैसे? पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जेटिक होकर आपको पूरे वापस मेहनत करनी है आने वाले कल के लिए। आपका आने वाला कल, चाहे वो जिपमर हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे जिपमर का क्रेकल कैंपस वाला रिक्रूटमेंट हो, चाहे पटना एम्स हो, चाहे नागपुर हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे एनपीसीएल हो, जो भी एग्जाम हो, अपने आप से दृढ़ संकल्प लो कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनकर बताऊंगा इन एग्जाम्स में। अपने आप से, अपने अंदर छुपे उस भगवान से, उस राम से संकल्प लो, उस दृढ़ संकल्प लो कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा इन आने वाले 3-4 रिक्रूटमेंट्स में। जिंदगी मुसीबत से भरी है मेरे दोस्त, जिंदगी उस चाय में जमी हुई मलाई की तरह, जिंदगी में मुसीबतें उस चाय में जमी हुई मलाई की तरह। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्या करोगे, मलाई को उठाओगे और चाय को पी जाओगे? यही करना है और क्या करना है? या ये तो नहीं करना, नहीं मेरे चाय के सामने मलाई जम गई मैं नहीं पीऊंगा, ऐसे तो नहीं डरोगे ना? तो ये आपको तय करना है, क्या करना है। मान लीजिए आपकी, एक एग्जांपल देता हूं, आपके नए नए शादी हुई है अभी जस्ट 2-4 दिन पहले,
आपकी नई नई शादी हुई है, दो चार दिन पहले आपको आपके डेस्टिनेशन आपको आपके घर पहुंचना है, आपको आपके घर पहुंचना है। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत भयंकर वाला रेड लाइट हो रखी है या ट्रेन पे ट्रैफिक जाम हो गया, आपको आपके घर पहुंचना है। आपके ख्वाहिशें, आपके जो आपने सपने देखे थे वो आपको पूरे करने, जल्दी घर जाना, चार दिन हो गए आपकी शादी हुई है, क्या करोगे मेरे दोस्त? शॉर्टकट देखोगे या जो आपके मन मर्जी आएगा आप वो करोगे? अरे हट साले, मेरे को जानने घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, क्या सपने देख रही होगी, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को जल्दी घर पर पहुंचना है। ठीक, आपको उसी तरह मोटिवेट होकर आपके लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होना है कि नहीं, मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरे सपनों का इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, डिप्रेस नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले दिनों में। रिसेंटली आपको पता है 3-4 महीने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, या फिर इसके बाद में भी आप देखो सभी एम्स, बहुत सारे एम्स खुल रहे हैं, हर बार वैकेंसी आती रहती है। तो ये आपका अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए, या आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा लास्ट एग्जाम था, आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आएगी। बस आप रेगुलर स्टडी करते रहिए अपना पूरे डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, पूरे समर्पण के साथ, और अपने आप से संकल्प लो कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही बताऊंगा। अब अपन बात करते हैं आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि कल आपका पर्टनेंस का एग्जाम है, तो आपको किस तरह से पेपर हैंडल करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, वो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ज्यादातर मेरे ख्याल से एनफ्लेक्स पैटर्न ज्यादा आने वाला है, फिर भी अपन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पटना का 2015 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें तो एनक्लेक्स पैटर्न के ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। अब कैसा पैटर्न आने वाला है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी जहां तक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादातर एनक्लेक्स पैटर्न या साइकेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेज है, क्योंकि वहां साइकेट्रिक की फैकल्टी से ही ज्यादा पेपर बनवाया गया है, मेरे को सुनने में आया है। तो अगर उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग दी हुई नहीं है अभी तक आपके एडमिट कार्ड में, आपको इसके इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, आपको जब आपके कंप्यूटर के ऊपर जो डेस्कबोर्ड पर बैठोगे तब आपको सामने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, उस इंस्ट्रक्शन में जरूर लिखा हुआ होगा कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो तो आपको मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेने, और अगर नेगेटिव मार्किंग 1/4 या 1/5 हो तो आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो, वो भी सिर्फ टेक्निकल पार्ट में, आपके नर्सिंग रिलेटेड पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि उसमें अपन स्पेशलाइज्ड नहीं है। वहां पर अगर अपन आइडिया से भी अगर रिस्क लेते हैं तो वहां पर नेगेटिव भी जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपको रिस्क लेना है तो नर्सिंग वाले पार्ट में ही रिस्क लेना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को पूरा पढ़कर ही आंसर देना, चारों ऑप्शंस को पढ़कर ही आंसर देना, ये नहीं कि क्वेश्चन अधूरा पढ़ रहे हो और आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। ये चीजें आपकी आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है, नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। तो मेरे तरफ से आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए मिशन आई नर्सिंग फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आप को एनर्जेटिक रखो, मोटिवेटेड रखो, डिप्रेस नहीं होना। एग्जाम आते हैं चले जाते हैं, देखिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, आपने सुना होगा ना, पर मेरा मानना है कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है अपने आप से, बहुत कुछ डेडिकेशन देना पड़ता है अपने टारगेट के, अपने मिशन के प्रति, टुवर्ड और मिशन, बहुत कुछ मेरे दोस्त। अपना टाइम आएगा, इस स्लोगन पर मत जीना, एक्चुअल में अपना टाइम आता नहीं, अपना टाइम खींच कर लाना पड़ता है। जाओ, आपका समय आपका इंतजार कर रहा है, चाहे जिपमर हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे क्रिकल वाला हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे एनसीएल वाला एग्जाम आने वाला है वो हो, आपका आपका आने वाला समय इंतजार कर रहा है, खींच कर लाओ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, मैं नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। अगर फिर भी अपने आप को आप संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो एक बार आंखें बंद करना अपनी, एक बार आंखें बंद करना अपनी, और अपने मां बाप को याद करना, अपने माता पिता के उन सपनों को याद करना जो रोज रात को सोते वक्त एक बार जरूर भगवान से दुआ करते हैं कि हे प्रभु मेरे बच्चों के सपने पूरे करना, उनको जल्दी नौकरी लगे, हमारे भी कुछ
नाम रोशन करेंगे। उनकी दिनचर्या याद करना, वो कैसे दिन भर खेतों में काम करते हैं अपने लिए, ताकि अपन अपने सपने या घरवालों के सपने या अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। फिर भी अगर तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिले तो उस रोती बिलखती अपनी बहनों को याद करना जो रोज आपका घर पर इंतजार करती है। दोस्त, मोटिवेशन एनर्जी कहीं से भी मिल सकती है। अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने बैकग्राउंड को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बैकग्राउंड अपन को एनर्जी देता है, अपन को मोटिवेशन देता है, उसको कमजोरी मत समझो मेरे दोस्त। अगर आप पोर फैमिली से या इकोनॉमिकली वीकर फैमिली से बिलोंग करते हो तो उस बैकग्राउंड को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको अपनी ताकत बनाओ कि कैसे मैंने अपने बचपन में कैसे दिन देखे थे, मेरे घरवालों ने कैसे दिन देखे थे, आज मैं अपने आप से पढ़ लेता हूं, अपने आप से शपथ लेता हूं और आने वाला कल अपने घरवालों के लिए, अपने लिए, आने वाली फैमिली के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अपने आप से दृढ़ संकल्प लो मेरे दोस्त, दृढ़ संकल्प, फर्म रिजोल्यूशन, फर्म रिजोल्यूशन। सिर्फ लेना ही नहीं है, सिर्फ लेना ही नहीं है, उसके प्रति पूरा डेडिकेशन भी देना है, उसके प्रति पूरा डेडिकेशन भी देना है, तभी आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हो। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, हालांकि मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, पर कभी समय मिलेगा तो आपके सामने मेरी क्या लाइफ थी, या मेरे बचपन में क्या अच्छे बुरे दिन देखे, या मैं कैसे नर्सिंग ऑफिसर में इतनी सारी 8-10 वैकेंसियों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मैंने कैसे 8-10 वैकेंसियों का एग्जाम फाइट किए विद टॉप रैंक के साथ में, कैसे मैंने बेरोजगारी दिन निकाले, वो सब मैं डिस्कशन करूंगा अब आगे कभी टाइम मिलेगा तो, फुर्सत के दिनों में। अभी आपका एग्जाम है तो आप अभी एग्जाम में कंसंट्रेट करिए। ठीक है, हमारी तरफ से हम आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि बेरोजगार नर्से जल्दी से जल्दी सभी नौकरी लगे, और उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, चाहे YouTube का माध्यम हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का माध्यम हो। हमारी टेस्ट सीरीज मैं अभी भी कर रहा हूं, हमारा मकसद मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस का मकसद मनी या पैसा कमाना नहीं है, कम समय में राइट डायरेक्शन और क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि वो आपके एग्जाम्स में आए। मैं खुद पेपर बनाता हूं, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाता हूं मैं खुद एक पेपर 50 क्वेश्चन का पेपर तैयार करने में मेरे को 12-14 घंटे लगते हैं, 12-14 घंटे। कहां से क्वेश्चन लेना है, किस टॉपिक से इधर बार बार क्वेश्चन आ रहा है और कैसे घुमाकर अगली बार क्वेश्चन आ सकता है, वो सब कंटेंट में ऑनलाइन सीरीज में डालता हूं। हालांकि मैं जो हमारी यूट्यूब सीरीज वगैरह आती है उसमें भी हम काफी मेहनत करते हैं, उसमें भी अच्छा कंटेंट आपको देते हैं, और हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का इस हमारी मेहनत का हमारे को रिजल्ट इतना अच्छा रहा कि हमारी फर्स्ट जो भी हमने कंबाइंड एम्स के लिए वो जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हमारे 120 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें 96 या 95 स्टूडेंट रेगुलर हमारी सीरीज भी थी, उनमें से 26 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 26 स्टूडेंट का 95 में से, पहली बार जब हमने ऑनलाइन सीरीज का आयोजन रखा। और ध्यान देना दोस्त, उन 95-96 स्टूडेंट में से 15-20 स्टूडेंट ऐसे थे जो हर बार एक नंबर से दो नंबर से रह जाते थे। उनके मैसेज के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं, हालांकि मैं किसी का पर्सनल नाम लेकर नहीं बताऊंगा और आपको बता भी नहीं सकूंगा। उन्होंने ऐसी दुआएं दी है मेरे को, और मेरे लिए वही सबसे बड़ी पूंजी है उनकी वो दुआएं हैं। आपका अगर सिलेक्शन होता है कहीं पर भी, सिर्फ दो ही लोगों को खुशी होती है। आपका अगर कहीं सिलेक्शन होता है तो सिर्फ दो ही लोगों को खुशी होती है, बाकी और सब दिखावे हैं, आपके दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे आस पड़ोस के कोई भी हो, सिर्फ दो लोगों को खुशी होती है अगर आप सक्सेस होते हो तो। एक, आपके माता पिता, आपके गार्जियन, आपकी फैमिली वाले। दूसरा कौन होता है? आपका टीचर। दूसरा वो खुश होता है जो आपका टीचर जो आपको एजुकेशन देता है। वो खुशी मैंने महसूस की है जब मेरे 25 या 26 स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करके बोला है, सर आई गॉट सिलेक्टेड इन एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स पटना। सर आपकी ऑनलाइन टेस्ट थी जिन्हें मेरे लाइफ बदल दी, संजीवनी तरह काम किए। तो आप भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हम बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, और इन फ्यूचर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, स्टडी मटेरियल भी हम तैयार कर रहे हैं, ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट कम समय में और कम पैसों में, आजकल क्या जयपुर जाओ या जोधपुर जाओ,
आपको मिनिमम मंथली 10,000-15,000 रुपए की इनकम को खर्चा चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि वो घर बैठे मिनिमम 1,500 रुपए में वो तैयारी कर सके और नर्सिंग ऑफिसर बन सके। मेरा वादा है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज का, मैं आने वाले 1 या 2 महीने में ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूंगा सभी स्टूडेंट के लिए, खास तौर पर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट के लिए, जो अपने घर बैठे एक नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करेगा और नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाएगा। ये मेरा वादा, 1,000+ नर्सिंग ऑफिसर बनाने का मैंने प्रण लिया है विद इन टू ईयर में 1,000 नर्सिंग ऑफिसर बनाने का मैंने प्रण लिया है। और मैंने सिर्फ प्रण ही नहीं लिया, मैंने सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं लिया, मैंने उस दृढ़ संकल्प के प्रति की मेरे को 1,000 नर्सिंग ऑफिसर तैयार करने हैं, उसके लिए मैं आज भी रात को 2 बजे 3 बजे सोता हूँ। 3 बजे से पहले शायद मैं कभी नहीं सोता, सुबह 7 बजे उठता हूँ, 8:30 बजे उठता हूँ, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रख रखी है। तो दोस्त मेरा आपसे यही अनुरोध है, एग्जाम्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, जिंदगी में निराश नहीं होना, जिंदगी चुनौतियों से भरी पड़ी है, असली योद्धा वही है जो इन चुनौतियों को समायोजन करके मूव फॉरवर्ड होता है। उनका रोना नहीं रोना दोस्त, मैं भी जब मेरा 2017 की वैकेंसी थी 16 में पास आउट हुआ तब जोधपुर एम्स का जो पेपर आया था रिजल्ट आया था तब मैं भी निराश हुआ था, बट मैं वही नहीं रुका, मैं निराश हुआ था, डीमोटिवेटेड हुआ था, बहुत ज्यादा टूट चुका था, बट मैं वही निराश नहीं हुआ। उसके बाद रेगुलर तैयारी की, 2 साल तक मेरे को तैयारी करता रहा, एग्जाम देता रहा, 5-7 एग्जाम दिए, नहीं हुआ कहीं सिलेक्शन, बट मेरे को कुछ इस बात की थी कि मेरा हर बार सिलेक्शन नहीं होता, पर मैं बॉर्डर पर रहता था, 1 नंबर हाफ नंबर 2 नंबर से मैं बॉर्डर पर रहता था। एक दिन ऐसा आया, एक मंथ ऐसा आया जून 2018 का, मेरे वो एक महीना मेरे लिए 4-4 सफलता लेकर आया, 1 महीने, उसके बाद एक के बाद एक। तो दोस्त रेगुलर स्टडी करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यह है सक्सेस की, रेगुलर, चाहे आप 12 घंटे 10 घंटे 6 घंटे स्टडी करो, बट यू हैव टू डू रेगुलर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द सक्सेस, ऑलवेज थिंक एज ए विनर नॉट ए लूजर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द विनर। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से मिशन आई नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अगर किसी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर उसको एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, उसको अगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल रहा है, सफलता मिल रही है, तो एक बार हमें मैसेज करके जरूर बताएं। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, वही हमें प्रेरणा देती है, वही आगे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। तो अगर किसी का हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन सीरीज के माध्यम से आपका अगर कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है तो हमें एक बार जरूर सूचित करें। ठीक है दोस्त, हमारी तरफ से मिशन आई नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, यू हैव टू डू, दृढ़ संकल्प लेकर निकलना मेरे दोस्त घर से, जिपमर का एग्जाम देने जाओ, चाहे पटना एम्स का, चाहे नागपुर एम्स का, चाहे PGI का, कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनकर आऊंगा, नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। एग्जाम के एक दिन पहले किताबें बंद कर देना, और हो सके तो मोटिवेशनल वीडियो सुनना, जिसको आप पसंद करते हो, उसको मैं पसंद करता हूँ, संडी मास्टरी को, उनके मोटिवेशनल वीडियो सुनता हूँ। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही है, बेस्ट में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत बहुत बधाई हो, और जो कंबाइंड एम्स में जो सिलेक्शन हुआ है, चाहे हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट हो, चाहे अदर स्टूडेंट हो, उन सभी को